सब्सक्राइब करें एके रिपेयर इन्फो यूट्यूब चैनल को और हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि मोबाइल का हम जो सैमसंग का गैलेक्सी टैब ए है, इसका हम FRP कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ आ सके हम इसका मुकम्मल सोल्यूशन करेंगे, इसका हम FRP कैसे रिमूव कर सकते हैं। इस टाइम जो सैमसंग गैलेक्सी टैब का जो वर्ज़न है एंड्रॉयड 11 में है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको 11 में ही क्लियर करें। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, तो जैसे जैसे मैं करूँगा आपने सारी वीडियो मुकम्मल देख के इसको देखना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन पे प्रेस करके हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, ताकि आप हमारी हर नोटिफिकेशन की बेल आइकॉन पे आपको मैसेज आए और आप हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप देख सकें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सारी वीडियो की समझ आ सके। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आप देखें हम कैसे इसका FRP रिमूव करते हैं।
ये दोस्तों हमने एलियन शेड इंस्टॉल कर लिया है। अब हम सबसे पहले ट्राई करते हैं सर्विस मोड के ज़रिए। सर्विस मोड के ज़रिए हम जब ट्राई करेंगे तो हम देखेंगे कि भी इसके ज़रिए हम इसका बाईपास कर सकें। सर्विस मोड का मतलब ये होता है, इस ऑप्शन का ये मतलब होता है कि मोबाइल को हम डायरेक्टली ADB मोड पे लेके जा सकते हैं। तो हम मोबाइल को डायरेक्टली ADB मोड ले जाने के लिए कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं तो हम इसका ADB मोड पर कैसे लेके जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब ट्राई कर ली है। सब ट्राई करने के बाद ये सोल्यूशन का मेरे ख्याल काम वर्किंग नहीं कर रहा, कोई एरर है, कोई मसला है, इसकी वजह से हमें ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। कोई ऑप्शन मैं ओपन कर रहा हूँ तो वो ओपन नहीं हो रहा। इसका यही मकसद है कि इसमें कोई एरर है, तो हम इसको पहले यहाँ से फोर स्टॉप और ये वाइप करके देखते हैं अगर ये सोल्यूशन काम कर जाए। तो हमने इसको उसके लिए तो ये अनेबल टू स्टॉप सर्विस आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें कोई एक सर्विस है जो डिसेबल है, जो इनेबल नहीं हो सकी, जो ये नॉट वर्किंग काम नहीं कर रहा है। तो सीधी साहब समय है तो इसमें ये देखें आप, ये कनॉक्स का जो ऑप्शन है ये रेड लाइन है और ये जो एडमिन है वो ऑन है। इसका मतलब है कि कनॉक्स नॉट एक्टिव, ये एरर दे रहा है। तो इसलिए हम एक दूसरा सोल्यूशन है हम वो करके देखते हैं, एंड्रॉयड हिडन जो एक एप्लीकेशन है वो हम इंस्टॉल करके देखते हैं कि एंड्रॉयड हिडन वाला जो सिस्टम है जिसके ज़रिए हम स्क्रीन लॉक बाईपास कर सकते हैं। तो हम ये सोल्यूशन ट्राई करते हैं, अगर ये सोल्यूशन हमारा काम दे जाए तो एक दफ़ा हम इसको क्लिक करते हैं। ये हमने पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, मैंने पहले ऑलरेडी से इंस्टॉल कर लिया है जिसकी वजह से ये ऑप्शन हम चेक करते हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले चूज़ स्क्रीन लॉक, चूज़ स्क्रीन लॉक पे क्लिक करके हम यहाँ पे जाते हैं तो ये लिखा हुआ है फॉर नॉन गूगल, ये आपने ऑप्शन क्लिक करना है। तो लगता है काम कर गया है। तो हम यहाँ पे पैटर्न लगाते हैं, पैटर्न लगाए हम इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर हमें जस्ट सेकंड सॉल्यूशन करते हैं, इसको करते हैं। करने के बाद अब हम इसको चेक करते हैं कि शायद इस मसले का हल हो गया है। तो हम अब इसको तो सारा कुछ बैक लेके जाते हैं, बैक लेके जाके हम इसको स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा काम बना कि नहीं बना, बाईपास हुआ कि नहीं हुआ। तो हम जल्दी जल्दी इसको क्लियर करते हैं ताकि जल्दी से हमारा काम हो सके। यह दोस्तों ये काम वर्किंग नहीं किया, तो हम मोबाइल का वर्जन एक दफ़ा फिर रीचेक करते हैं कि भैया वर्जन एंड्रॉयड 11 तो है, लेकिन हम एक दफ़ा तसल्ली कर लेंगे भैया एंड्रॉयड 11 ही है। तो हम इसका सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाते हैं तो हमने वर्जन चेक किया तो हमें ये पता चला कि ये एंड्रॉयड 11 है। तो हम दोस्तों हमें ना इसको अब डाउनग्रेड करना पड़ेगा, इसको अब वर्जन हमें एंड्रॉयड 10 करना पड़ेगा। तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने फाइल को डाउनलोड कर लेना है और इसको डाउनग्रेड एंड्रॉयड 10 में लेके फिर इसका हमें दोबारा FRP रिमूव करेंगे। तो जैसे मैं कर रहा हूँ आप जैसे जैसे मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ आपने देखना है तो हम इसको कैसे डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके।
जी हाँ दोस्तों, मैंने ना EFT प्रो के ज़रिए इसको फ्लैश किया है, तो आप ओडिन के ज़रिए भी कर सकते हैं। कोई भी टूल आपके पास है, सैमसंग का ओडिन है, सैमसंग का आपके पास Z3 एक्सबॉक्स है, आप वहाँ से भी इसको फ्लैश कर सकते हैं। मेरे पास EFT प्रो ओपन था, तो मैंने कहा चलो यहाँ से इसके ज़रिए हम इसको फ्लैश कर देते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। आप कहीं से भी किसी तरीके से भी ओडिन से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बाय द वे आप जैसे मर्ज़ी इसको फ्लैश कर सकते हैं। तो हमने इसको एंड्रॉयड 10 वर्जन कर लिया है, तो हम दोबारा से भी कंटिन्यू करते हैं, चेक करते हैं कि भी हमारा अब इस मसले का हल होगा, तो हम दोबारा फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे पहले किया था, अब उसी तरीके से हम दोबारा इसको, अब पासवर्ड मैं लगा लूँ एक दफ़ा, जो मेरा इंटरनेट का पासवर्ड है, पासवर्ड लगा लूँ। पासवर्ड लगाने के बाद फिर हम इसका रिसेट को करते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देख रहा है ताकि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो मुझे पूरी मुकम्मल तरीके से, जैसे लाइव वीडियो बनती, मैंने लाइव तरीके से सब कुछ बनाया है ताकि आप सब कुछ समझ सकें। हिडन वाला सिस्टम मैंने नहीं किया, जिसकी वजह से आपको कुछ समझ ना आ सके। तो मैंने बहुत तसल्ली के साथ पूरी वीडियो, लंबी लेंथी वीडियो बनाई है। वीडियो पूरा देखेंगे और आपने साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जी हाँ दोस्तों, मैंने क्विक शॉर्ट मेकर इंस्टॉल करके फाइल शॉर्टकट करके और इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं अब दोबारा सेटिंग वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ। तो यहाँ से हम चूज़ स्क्रीन लॉक जो ऑप्शन है वो हम ढूंढेंगे। तो हम उस ऑप्शन पे जाके इसको बाईपास करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से बाईपास ये हो जाए। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे ढूंढने में। तो मैं ये जी मुझे मिल गया चूज़ स्क्रीन का कि दो ऑप्शन है, आपने नीचे वाला ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये ट्राई जो लिखा है इस पर क्लिक करना है। तो उम्मीद है कि आप तो मैं इसे यस नहीं करूँगा, पहले मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर लेने दीजिए। पूरा कंफर्म करने के बाद फिर मैं कोई हैप्पी का आपको ऑप्शन दूँगा कि मैं हम कामयाब हो गए हैं। तो इसलिए मैं अब इसको रिस्टार्ट करूँगा। रिस्टार्ट करने के बाद जब ये ओपन होगी, ऑन होने के बाद फिर हम इसको चेक करते हैं कि इसको कैसे ये हमारा जो इतनी मेहनत है हमारी कामयाब हुई कि नहीं हुई। तो अक्सर टैब ऐसे आते हैं जो जिनका बाईपास बहुत मुश्किल से होता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ जाती है। तो हम मैंने लाइफ इसलिए इतनी लेंथ वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मैं इसमें कोई चीज़ मिस ना करूं। आपको कंप्लीट बताऊं, मैं इसको डाउनग्रेड करके तो शॉर्ट वीडियो बना के भी आपको समझा सकता, लेकिन समझ नहीं आनी थी। मेरा काम है आपको समझाना, आपको हर एक चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी ताकि आपको इस चीज़ की अच्छी तरह समझ आए। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए हैं, क्योंकि ये स्क्रीन लॉक वाला ऑप्शन ऐसे नहीं आता। तो हम इसको लॉक को रिमूव ओपन किया तो आई थिंक हम कामयाब हो गए हैं। तो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी से इसको लेके चलते हैं आगे की तरफ। इसका जो सेटअप है वो हम ओपन करते हैं। तो उम्मीद है कि कामयाब हो गए हैं, क्योंकि मुझे ये शुरू ऑन होते ही इसने मुझे बता दिया है कि मैं जनाब कामयाब हो गया हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि जब हम आगे जब नेक्स्ट करके जब हम आगे सॉल्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पर जाके वो दूसरा पुराने वाला ही लॉक बता देता है, फिर हम दोबारा लॉस हो जाता है। तो इसलिए अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हम इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं। जैसे जैसे हमारा ये सिस्टम आगे जा रहा है तब आपको मैं बता सकता हूँ। ये ऑप्शन अब आने लगा है तो वाओ वेरी गुड, हम कामयाब हो गए हैं दोस्तों। आपको पता है पहले जो एंड्रॉयड 11 में ऑप्शन आया था, उस ऑप्शन की वजह से मुझे रोना आ गया था कि भाई ये क्या हो गया, मैंने इतनी मेहनत की, सारा कुछ मैंने करने के बाद ये दोबारा फिर वही चीज़ आ गई। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह एंड्रॉयड 10 के ज़रिए इस मसले का हल हो चुका है। तो आपने घबराना नहीं है, मैं आपको एंड्रॉयड जो 10 के जो वर्जन है वो सारा जो आपको लिंक है वेबसाइट है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो जो सेटअप है जिसके ज़रिए मैंने इसको बाईपास किया है मुस्लिम ऑडिन 2.0, वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो जो चीज़ें जो जो मेथड मैंने यूज़ किए हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के आपने इजी तरीके से इस टैब का FRP रिमूव कर लेना है। अगर कोई भी फ़ोन इसके अलावा भी कोई भी टैब आता है, एंड्रॉयड 11 में आता है, एंड्रॉयड 10 में आता है, अगर ऐसा मसले का हल नहीं होता तो आपने इस तरीके से पूरी वीडियो को देख के आपने इसका सॉल्यूशन कर लेना है। तो इंशाल्लाह इसका मसले का हल हो जाए करेगा जैसे मैंने किया है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। शेयर करने का मकसद ये होगा कि अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो किसी ना किसी दोस्त का फ़ायदा हो जाएगा। आपने फ़ायदा करना है अल्हम्दुलिल्लाह, आपने वीडियो को शेयर लाजमी करना है। जो भी वीडियो मेरा भाई देखेगा उसको लाजमी शेयर करें ताकि ये वीडियो अगर किसी के पास जाएगी तो फ़ायदा आप सबको होगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका जो एक सब्सक्राइब बटन है मेरे लिए हौसला अफजाई होगी। मैंने इतनी मेहनत से इतनी कोशिश से वीडियो को बनाया है तो इंशाल्लाह मुझे हौसला होगा, हौसला अफजाई होगी मेरी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कोई अच्छी टॉपिक वाली जो लेटेस्ट है वो मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगा। सैमसंग का जो आज FRP का जो सोलूशन है हमने निकाल लिया है, तो वर्जन जो से इंटरनेट से डाउनलोड हो जाते हैं सेम वर्जन आपने डाउनलोड करना होता है, वो कैसे करना होता है आपको मैं वो भी समझा देता हूँ। आपने जब इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन में जाके जब आपने इसका वर्जन देखना है, एंड्रॉयड 11 है, नीचे आपने देखना है कि ये सैमसंग का टैब कौन सा है। इस टैब का नाम था T295। अब आपने T295 के आगे जाके ना इसका जो बाइनरी होता है
जिसमें U1 होता है, U2 होता है, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, इसी तरह S1, S2, S3, S4, S5 ऐसे का होता है। आपने सेम डाउनलोड करना है। अगर आपको इंटरनेट पे U5 मिल रहा है तो आपने S5 कर लेना है, तो वो सेम मैच हो गया, इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, तो उसमें फ्लैश हो जाएगा और आपका टैब डाउनग्रेड हो जाएगा। तो ये आपने कोशिश लाजमी किया करनी है कि भाई आपने वर्जन जो सेम करना है। एंड्रॉयड अगर 11 है तो आपने उसको 10 करना है, तो आपने वर्जन सेम डाउनलोड कर लेना है। U4 आपने सिर्फ बाइनरी का ऑप्शन देखना है, U4 और S4। अगर UA है तो आपने UA वाले ही डाउनग्रेड वर्जन डाउनलोड करना है। तो आपने U1 है तो U1 वाली, U2 है U2 वाली, आपने डाउनग्रेड वर्जन डाउनलोड करना है। तो बात करने का मकसद यह है कि आपने सेम डाउनलोड करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने वर्जन आगे पीछे कर दिया तो वो फ्लैश नहीं होगा, एरर दे देगा, जिसकी वजह से आप मुझे कहेंगे कि भाई इस बंदे ने वीडियो बनाई और असने हमसे तो ये डाउनग्रेड हो ही नहीं रहा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।